घोषित कार्यक्रम व राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय नौजवान संघ ने रोजगार सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला संयोजक आनंद मोहन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित संगठन के कार्यकर्ताओं ने पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से मार्च निकालते हुए लोहिया चौक लेरियस राइट टावर समाहरणालय होते हुए पुनः धरना स्थल पर पहुंचे, जहां धरना को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने कहा कि देश की सत्ता पर बैठी भाजपा नीति वाले नरेंद्र मोदी की सरकार आने के उपरांत लगातार महंगी और भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रही है। चुनाव में देश के नौजवानों से वादा किया गया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अपने 14 वर्ष के शासनकाल में 2 लाख नौजवान को भी सरकारी नौकरी देने का काम सरकार ने नहीं किया। तमाम सरकारी संस्थानों को उद्योगपतियों के हाथ बेचकर रोजगार के अवसर को भी सरकार ने समाप्त कर दिया। दरभंगा में सकरी रयाम एवं लोहट चीनी मिल और अशोक पेपर मिल जैसे उद्योग बंद कर दिए, जिसे सरकार चालू नहीं कर रही है। नए उद्योगों की स्थापना की बात तो सरकार के एजेंडे में दूर दूर तक नहीं है। वहीं हम आज अपने आंदोलन के द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की गारंटी दी जाए, रोजगार नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दरभंगा जिला में बंद पड़े सकरी रयाम लोहट चीनी मिल और अशोक पेपर मिल को अविलंब चालू कर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाए। दरभंगा जिला में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर बेरोजगार नौजवानों को उसमें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकारी उद्योगों प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में बेचना सरकार अविलंब बंद करे। सभी रिक्त पदों पर केंद्र और राज्य सरकार अविलंब नियुक्ति की गारंटी। साथ ही उन्होंने मांग रखी कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के लिए मुफ्त आवेदन एवं यात्रा की सुविधा प्रदान करें। बिहार सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर एम्स निर्माण शुरू करवाया जाए। वहीं धरना को संबोधित करते हुए जिला संयोजक आनंद मोहन ने कहा कि संगठन वर्षों से भगत सिंह रोजगार गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहा है, जिस कानून के अंतर्गत सभी बेरोजगारों को उसके योग्यता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जवाबदेही होगी। जिस नौजवान के भरोसे सरकार सत्ता में आई है, वही नौजवान आज देश में छला हुआ महसूस कर रहा है। अगर सरकार अविलंब बेरोजगारी जैसे गंभीर महामारी को ठीक नहीं करती है, तो यही बेरोजगारों की फौज सरकार को सत्ता से कोसों दूर उखाड़ कर फेंक देगी। धरना को पूर्व जिला संयोजक व अधिवक्ता वरुण कुमार झा, गौतम चौधरी, गुड्डू यादव, पंकज राम, रोहित राम, हर्ष झा, अधिवक्ता मानस सिंह, शिव कुमार सिंह, मोहम्मद अरशद सिद्दीकी, शशि रंजन प्रताप सिंह आदि ने संबोधित किया। हमारा 7 सूत्री मांग है, जिसमें हम लोगों का मांग है जो बेरोजगारी जो इतना चरम सीमा पर बढ़ गई है, तो आप बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यहाँ बंद पड़े कल कारखाना सकरी लोहट अशोक पेपर मिल आदि जो है उसको चालू करो। यदि उसको चालू करने के लिए आप सक्षम नहीं हो, तो सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो।